सिंध असेंबली में कल हम जो है आवाज उठाएंगे इनके लिए, और आगा सिराज जो स्पीकर है हमारे उनसे भी डिमांड करेंगे, सेक्रेटरी असेंबली जो है उनके ऑफिस के बाहर जाके भी हम एहतजाज करेंगे। और बात ये कि असल में इनको एक नोटिफिकेशन आया हुआ था ऑलरेडी कि हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे, दूसरी जगह पर पहले आपको घर देंगे फिर तोड़ेंगे, कि जिस वक्त कल दोपहर में इन्होंने ये बुलडोजर चलाए हैं तो उस वक्त बच्चे भी अंदर बैठे थे, किसी की जान भी जा सकती थी। तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत की बिल्कुल ये नाअहली है कि इन्होंने इस किस्म की कार्रवाई की है, और 12-13 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हम इसलिए ये आलीशान बिल्डिंगें नहीं चाहिए, ये हेलीपैड वाली असम्बलियाँ नहीं चाहिए, ये 5 स्टार जो इन्होंने हमारे लिए अभी ये नई MPS की रेजिडेंसी बना दी, ना ही वो हमें चाहिए, और ना ही हम चाहते हैं कि हमारे लिए इस तरह की बिल्डिंग बनाए जिसकी वजह से हमें दूसरों की बदवाएं लगे। तो कल सिंध असेंबली का जो इजलास होगा वो आप देखेंगे किस तरीके से होगा, और इंशाल्लाह ताला इनका जो हक है इनको इंसाफ इंशाल्लाह कलम दिलाते रहेंगे सारे मेंबर्स मिलकर।